हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हेल्दी और टेस्टी मूंग पालक का डबल तड़का सब्जी की रेसिपी। दोस्तों, आप इस सब्जी को बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो चलो दोस्तों, फटाक से करते हैं रेसिपी की शुरुआत। मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो दोस्तों, फटाक से करते हैं रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पालक। पालक को मैंने बारीक कट कर लिया है। बाद में इसको अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया है और इसको छाननी के अंदर रख दिया है पानी निचोड़ने के लिए। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लिया था मूंग। मूंग को भी मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। बाद में इसको कुकर में 3 सीटी आने के लिए रखा था। अच्छे से मूंग हमारे पक चुके हैं, एकदम गलने के लिए नहीं रखना है दोस्तों, बस पक जाए इतना ही पकाना है मूंग को। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लिया था, इसको भी कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर, 4-5 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा भी लिया था आधा चम्मच के करीब। इसे फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है दोस्तों। और इन सब चीज़ों को मैंने मिक्सर जार में पीस लिया है, प्योरी बना लिया है। और यहाँ पर रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर है, सरसों है, साबुत जीरा है, इन सबको हम ऐड करने वाले। हींग वगैरह भी ऐड करेंगे, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, गैस की फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई को रख देना है गर्म करने के लिए। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप कौन सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो दोस्तों। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो 1 चम्मच ऐड करेंगे सरसों। सरसों अच्छे से ऊपर आने लगे तो बाद में 1 चम्मच ऐड कर लेना है साबुत जीरा। दोस्तों, जीरा भी अच्छे से पक चुका है, अब ऐड करेंगे आधा चम्मच हींग। हींग हमारे पेट में कोई भी गड़बड़ होने नहीं देता है दोस्तों, गैस बनने नहीं देता है बिल्कुल भी। अब ऐड करेंगे प्याज। 2 बड़े ऑनियन को मैंने बारीक कट कर लिया था, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो दोस्तों, कलर चेंज हो चुका है देखिए प्याज का। अब हमने टमाटो प्योरी जो बना के रखा था ना, लहसुन हरी मिर्च सब ऐड करके वो ऐड कर लेना है। और इन सारी चीज़ों को ऑयल छूटने तक पका लेना है। थोड़ा सा हाई गैस करके लगातार चलाते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, कढ़ाई से अलग होने लगा है प्योरी हमारा। देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है ग्रेवी में से। अब ऐड कर लेंगे पालक। दोस्तों, कोई भी सब्जी बनाने से पहले ग्रेवी को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ग्रेवी अच्छे से पकेगा इतना ही सब्ज़ी आपका टेस्टी बनेगा, एकदम होटल जैसा बनेगा। ये खास ध्यान रखना है, सब्ज़ी बनाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, पालक भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, देखिए मसाले में मिक्स हो चुका है। तो अब 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से पका लेना है। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है दोस्तों, देखिए कढ़ाई से अलग होने लगा है सारा मसाला। और अब ऐड करेंगे मूंग। तो मूंग दोस्तों इस तरीके से देखिए साबुत होने चाहिए, एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाओगे ना, ज़्यादा सिटी आ जाएगी तो फिर एकदम ग्रेवी हो जाएगा मूंग का, तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। मूंग मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका था तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3 ग्लास पानी। अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दूसरी गैस के ऊपर मैंने एक पैन को गरम करके 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है, रिफाइन ऑयल लिया है, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 6-7 लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और 3 मैंने लाल मिर्च ऐड की है,
ये देखिए घोल वाला दाल में जो ऐड होता है ना रेड चिली, वो मैंने ऐड किया, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है डबल तड़का में। तो ये डबल तड़का ऐड करेंगे ऊपर। डबल तड़का मूंग पालक का सब्जी ज़रूर बना के देखिएगा दोस्तों, गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, दाल चावल रोटी नान पराठा के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच किचन किंग मसाला, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। एवरेस्ट का मैंने किचन किंग मसाला ऐड कर लिया है, तो इसको गार्निशिंग के लिए एक बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय बाय।